साबिक वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की मैयत चकलाला एयरबेस से आबाई इलाके रुझान जमाली पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने 70 की दहाई में अमली सियासत में कदम रखा था। वो तकरीबन 1.5 साल तक वजारत उज़्मा के मनसब पर फायज रहे थे। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की जिंदगी पर इस रिपोर्ट में नजर डालिए। सियासी अफक पर चमकने वाला एक और सितारा दुनिया से रुखसत हो गया। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली निडर और उसूल पर सियासतदान थे। वो सूबे बलोचिस्तान से मुंतखब होने वाले पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर-ए-आज़म थे। उन्होंने अमली सियासत का आगाज 70 की दहाई में किया। 1970 में सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लिया लेकिन नाकाम रहे। ताहम 1977 में बिला मुकाबला रुकन बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब हुए। 1988 और 1996 में दो बार बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर आला मुकर्रर हुए। 1997 में सेनेट के रुकन भी रहे। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सदारत में होने 2002 के इंतखाबात में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और 21 नवंबर 2002 को वज़ीर आज़म के मनसब पर फायज हो गए। 26 जून 2004 को वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफी हुए। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और चारों वज़राए आला ने मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की।